गाइज वेलकम बैक टू चैनल सो आज मैं लेकर आई हूं विंटर्स वेडिंग गेस्ट लुक तो जैसे कि कल मैं एक फंक्शन में गई थी वेडिंग फंक्शन था तो वहां पर ये लुक क्रिएट किया था मैंने और इस लुक को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहां पर मैं सर्दी से भी बची हूं और मैंने अपना जो स्टाइल है उसे भी खराब नहीं होने दिया तो यहां पर इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने कैसे कैसे किया है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया क्योंकि विंटर्स का टाइम है स्किन ड्राई हो जाती है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत जरूरी है तो उसके बाद मैंने यहां पर अप्लाई किया है फुल कवरेज वाला मेरा ये फाउंडेशन इसको मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई किया है जिससे कि मेरा जो ब्लेमिशेज है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए इतने, इतने ब्लेमिशेज नहीं है बट ये कि हाँ स्किन साफ लगती है फाउंडेशन अप्लाई करने से तो अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया आप देख सकते हैं अब यहां पर मैं अप्लाई करी हूं बनाना पाउडर तो बनाना पाउडर से एक बहुत अच्छा फिनिशिंग आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पर बनाना पाउडर अप्लाई करी हूं आप देख लीजिए किस तरीके से मैं अप्लाई करी हूं ठीक है पूरा मतलब आईज के नीचे साइड पर मैंने अप्लाई किया और फिर चिन के साइड में मैंने अप्लाई किया उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्राउज को शेप दूंगी अच्छी तरीके से मैं आई को शेप दूंगी बट बहुत ज्यादा मैं आई को बहुत डार्क नहीं करूंगी क्योंकि वो ना फिर आर्टिफिशियल टाइप लगता है ऐसा लगता है बहुत ज्यादा आपने ओवर कर दिया है और अब यहां पर मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूं ठीक है तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले मैंने ब्रश में स्प्रे कर लिया है मेकअप फिक्सर ताकि मेरा जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से शेड में आए और बहुत अच्छे से स्टिक रहे मेरी आईज पर ठीक है वो हट ना जाए वहां से इसीलिए और देखिए आप मैं यहाँ पर येलो कलर का आई अप्लाई करी क्योंकि येलो साड़ी मैंने पहनी है और पूरा ही येलो कलर मेरे को नहीं करना है तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी शेड भी देना है ठीक है येलो के कॉर्नर से मैं क्या करूंगी आ, डार्क कलर का मैं यहाँ पर अप्लाई रही हूँ डार्क ग्रे कलर है ये तो मैं कॉर्नर से इसको अप्लाई कर लेती हूँ जिससे कि एक स्मोकी वाला शेड आ जाएगा इसमें डबल शेड आ जाएगा आप देख सकते हैं और ना इस तरीके के जो आई शेडोज होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं आईज भी बहुत सुंदर लगती हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको अप्लाई करी बहुत हल्का सा मैं कॉर्नर पे अप्लाई करी जिससे कि एक स्मोकी वाला शेड आ गया और इस तरीके से मैंने अपना स्मोकी शेड अप्लाई कर लिया है और दोबारा से मैं यहां पर हल्का सा येलो कलर और लेकर बिल्कुल मिडिल वाले आई बॉल के ऊपर वाले पार्ट पर सिर्फ इसको हल्का हल्का सा अप्लाई करें जैसे कि येलो शेड उभर के आए ठीक है थीके? और अब ये मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है यहां पर और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी आई तो आई मैं ना बहुत हल्की वाली अप्लाई करूंगी बहुत हेवी वाली नहीं चाहिए और आप देख सकते हैं बहुत लॉन्ग है ये तो मुझे क्या करना है इसको थोड़ा सा कट करना है कट करके मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना है क्योंकि आगे साइड से मैं इसको छोटा करूंगी क्योंकि आगे साइड से कॉर्नर पे ये थोड़ा चुपता है अप्लाई करने से तो यहाँ पर इसको मैंने क्या किया है दोनों को ही अः सामने वाले पार्ट से थोड़ा सा मैंने इसको कट कर लिया है ठीक है कट करने से क्या होगा अच्छी तरीके से ये मैं अप्लाई कर पाऊंगी तो आई शेडो मैंने सॉरी आई मैंने अप्लाई कर ली है और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करी हूं आई तो हमेशा मैं आई तभी अप्लाई करती हूँ जब मेरी आईलैशेस लग जाती हैं उसके बाद ही मैं अप्लाई करती हूँ जिससे कि एक बहुत अच्छा शेप भी आ जाता है और नेचुरली जो मेरी आई है वो इजिली अप्लाई हो जाता है तो अच्छी तरीके से कॉर्नर्स को भी कवर कर ले रही हूं क्योंकि मैंने आईलैशेस को थोड़ा सा कट किया है तो उसको उसके लिए मुझे उसको कवर करना पड़ेगा पूरा तो आप देख सकते हैं आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी मस्कारा मस्कारा मैं बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करूंगी क्योंकि जो भी मैंने आई शेडो अप्लाई की थी उसका शेड थोड़ा सा उसमें गया है और अब यहां पर मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं यहां पर कॉन्टोरिंग कर रही हूं मेकअप पूरा स्टार्ट होने वाला है अभी आई लैशेज सॉरी आई मेकअप कंप्लीट कर चुकी हूं ऑलरेडी और अब यहां पर कॉन्टोरिंग कर लिए एक अच्छा सा शेप आ जाता है फेस पर इसको अच्छे तरीके से स्मच कर लेंगे लेकिन ऊपर की तरफ करेंगे जिससे कि हमारा फेस लिफ्ट हो जाए मतलब लिफ्ट हुआ लगे नीचे की तरफ नहीं करना होता है हमेशा अब यहां पर मैं अप्लाई करूंगी मेरा फेवरेट ब्लशर तो ब्लशर जो यहां पर मैं अप्लाई करी थोड़ा सा ज्यादा हो गया अगर कभी ऐसा होता है ब्लशर हमारा कभी ज्यादा फेस पर लग जाता है तो उसको हम कैसे लाइट करें यह भी मैं आपको ट्रिक इसमें बता रही हूँ तो इसके लिए मैंने लिया है आ, हल्का सा जो स्पॉन्ज है उसको मैंने पहले उसको डैप कर लिया उससे ठीक है डैप करने के बाद अब मैं यहाँ पर लूंगी बनाना पाउडर बनाना पाउडर को मैं हल्का सा इस पर ब्रश पे अप्लाई करूंगी और उसको इस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई कर लूंगी और ये जो हमारा ब्लशर थोड़ा ज्यादा लग गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया आप देख सकते हैं खुद से और इसके बाद अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगी हाइलाइटर तो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए भी मैं मेकअप ब्रश में मेकअप फिक्सर स्प्रे करने के बाद ही इसको लगा रही हूं ताकि अच्छा सा बहुत हाइलाइटर जो है बहुत अच्छा सा मेरे फेस पर ग्लो दे सके आप देख सकते हैं इजिली मैंने इसको लगा लिया है और उसके बाद यहां पर मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट है तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे अप्लाई करनी है लिपस्टिक लिपस्टिक मैं ड्राई अप्लाई कर रही हूं इसीलिए मैं यहां पर अप्लाई कर रही हूं सबसे पहले अपना लिप बाम लिप बाम अप्लाई करने के बाद जिससे कि मेरे लिप्स जो है वो चैप ना लगे और अब यहां पर मैं अप्लाई कर रही हूं शुगर की मेरी फेवरेट रेड कलर की लिपस्टिक क्योंकि रेड कलर का मैं ब्लाउज पहन रही हूं और येलो कलर की मेरी साड़ी है तो इसलिए मैं यहां पर रेड कलर का रेड टेंजरीन कलर है ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं मेकअप कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो अब इसके बाद यहां पर मेरा रह गया है सिर्फ काजल तो काजल मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी एकदम नीचे की तरफ पेंसिल करके मैं अप्लाई करूंगी जिससे एक स्मोकी शेड भी आएगा और मेरा काजल बहुत हैवी भी नहीं लगेगा ठीक है ना तो मैंने यहां पर काजल भी इजिली अप्लाई कर लिया है और बस ये काजल अप्लाई होते ही इसके बाद में यहां पर आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप और अब यहां पर मैं लूंगी मेकअप फिक्सर तो मेकअप फिक्सर से मैंने स्प्रे कर लिया है मेकअप को सेट कर लिया है मेरा मेकअप सेट हो चुका है बस अब मैं दिखा रही हूं कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो साड़ी है इसमें पूरा ही वर्क अच्छा हैवी वर्क किया हुआ है आप देख सकते हैं ये साड़ी जो है ना मेरी भात कापोड़ में मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी और इसके साथ मैं पहन रही हूं फुल रेड कलर का रेड वेलवेट ब्लाउज तो ये फुल रेड वेलवेट है जिससे कि मुझे ठंड ना लगे ठंड से मुझे बचाया है इस ब्लाउज ने और साथ में हैदराबादी बैंगल्स पहन रही हूं जो मेरी सासू माँ मेरे लिए लेकर आई थी और ये है मेरा फेवरेट नेकलेस तो ये नेकलेस मैं पेयर करूंगी इसके साथ और मैंने पहनी है हील्स तो हील्स मैंने यहाँ पर पहनी है बहुत टाइम के बाद हील्स पहनी है और हील्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है मैंने अमेजोन से परचेज की थी तो ये है मेरा पूरा लुक तो यहाँ पर लुक कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं साथ में मैंने पोटली बैग लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है तो आप मुझे बताइएगा कि वेडिंग गेस्ट लुक आपको ये कैसा लगा है और मैंने जो ये साड़ी पहनी है वो आपको कैसी लगी है बहुत ही यूनिक टाइप की साड़ी आप देख सकते हैं पूरे में हैवी वर्क किया हुआ है और उसके बाद मैं पहुंच गई थी फंक्शन में फंक्शन में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा डेकोरेशन है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज मैनेज uh, किया हुआ था बहुत अच्छा फंक्शन था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन किया है तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक तो कैसा लगा है आपको और वीडियो एंड करती हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय